राजस्थान की खबरें सिर्फ देखिए ही नहीं, पढ़िए भी राजस्थान तक.com पर। आज जब भाजपा जन आक्रोश रथ यात्रा का शुभारंभ किया है, वहीं अगर हम सवाई माधोपुर की बात करते हैं तो राहुल गांधी अपनी यात्रा लेकर राजस्थान में प्रवेश करने वाले हैं। हमारे साथ बीजेपी में कृषि मंत्री रहे प्रभुलाल सैनी साथ में, इन्हीं से जानते हैं कि आज की राजस्थान की राजनीति को लेकर ये किस तरह से देखते हैं। आपने आज जन आक्रोश किस उद्देश्य को लेकर ये रथ यात्रा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट उद्देश्य कि चार साल में जो कांग्रेस ने 2018 में चुनावी जो वादे किए थे, एक भी वादे को सरकार ने पूरा नहीं किया, चाहे वो कर्ज माफी करना हो, चाहे रोजगार को महंगाई बदले जाने का सवाल हो, लाइन ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन करने का सवाल हो। आज आपको आश्चर्य होगा कि हम आपराधिक आंकड़ों दूरों को देखते हैं तो पूरे देश में आज नंबर वन राजस्थान में, यानी छोटी छोटी बालिकाओं का खरीद फरोख्त के मामले में राजस्थान नंबर एक आया। मैं समझता हूँ राजस्थान के वीरों के धरती पर शोभा नहीं देता कांग्रेस को। कांग्रेस ने तुष्टिकरण की नीति अपनाया, सांप्रदायिक तनाव फैलाने का काम किया है। यदि हम देखें तो भरतपुर की घटना को देखें, भीलवाड़ा की घटना को देखें, जोधपुर की घटना को देखें, उदयपुर की घटना को देखें, इससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस तुष्टिकरण की नीति में करके संप्रदाय को लड़ाने का काम कर रही है। अगर अपन बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को सामने आ रहा है देखिए, ये मीडिया की उपज है। अभी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी में किसी भी प्रकार की कलह, जैसा कि आपने कल देखा होगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नहीं, जैसे पोस्टर रिवाजी हुआ, मैंने स्थानीय नेताओं को पोस्टर देखिए, आप देखते होंगे कि अभी मेरे सामने पोस्टर लगा नहीं, ये तो सारे नेताओं के पोस्टर लगे हुए हैं। और मैं समझता हूँ परिवार बड़ा होता है, छोटी मोटी बात होती रहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक मुखी है। 2023 में कांग्रेस को सबक सिखाएगी कि चार साल के जो इनके असफल रहा है, ये जन जन तक हम लेके जाएंगे। 20,000 सभाएं राजस्थान में होगी और उन 20 सभाओं में लगभग 2 करोड़ लोगों से सीधा सीधा संपर्क जन यात्रा के माध्यम से होगा। मैं इसलिए ऐसे देख रहा हूँ कि भले राहुल गांधी जी से मैं ये पूछे कि भारत अखंड कहाँ है, कश्मीर से कन्याकुमारी भारत तो वैसे ही है कि किसको जोड़ रहे हैं। अगर उनको जोड़ने का ज़्यादा शौक है तो पहले अपनी पार्टी को जोड़े, मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री आपस में लड़े, पहले उनको जोड़े, पार्टी को संगठित करें, आम जनता के दिए गए वादे करें। तेजाब फिल्म के गाने गाकर घोषणा की थी 1, 2, 3, 4 वाला कर्जा माफ करें। तो मैं समझता हूँ राजस्थान में जब उनका प्रवेश हो तो पहले अपना श्वेत पत्र लेके आए कि मेरी घोषणाओं को मैंने पूरा किया है। और अच्छा होगा कि किसानों का यदि वो कर्जा माफ करके जाते हैं 10 गिनने तक राजस्थान के संपूर्ण कर्जा, हम भी स्वागत करेंगे राहुल गांधी जी, ऐसी क्या बात। लेकिन यदि वादा किला यदि जनता को गुमराह करने का काम किया, इसका मुंह तोड़ जवाब 2003 देखिए, अकेले सचिन पायलट और अशोक गहलोत का विवाद नहीं है, सारे मंत्रिमंडल में आंतरिक कलह मच रही है। मंत्री से मंत्री लड़ रहे हैं, एक मंत्री दूसरे पर आरोप लगा, एक दूसरे पर लगा, ब्यूरोक्रेसी और आपके जनप्रतिनिधि मंत्री ये आपस में लड़ रहे हैं ना। तब ये सारे लोग लड़ रहे हैं तो आप यही हालात होने वाले हैं कि यदि किसी भी किसान के 2 बैल होते हैं, दोनों आपस में लड़ते हैं, तो खेती के बजाय उस किसान का नुकसान होता है। इसलिए इस कांग्रेस का नुकसान तय है, इसको कोई नहीं रोक सकता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने निशान पर ही, जब जब भी चुनाव आते हैं हम लोग कमल के निशान पे ही चुनाव लड़ते हैं। और निश्चित रूप से हमारे पूरी दुनिया के लोकप्रिय नेता, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में अपनी दाग जमाई है, सम्माननीय हमारे मोदी जी, उनके चेहरे पर और भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति पर और केंद्र सरकार के द्वारा किए गए उपलब्धियों के आधार पर हम लोग चुनाव ये इंदिरा बैनर्जी का ही सवाल नहीं है, पूरे राजस्थान के कांग्रेस के जितने भी विधायक
हर विधायक मुख्यमंत्री बनाओ, अपने अपने विधानसभा का वही मुख्यमंत्री है, वही करप्ट से करप्ट भ्रष्ट से भ्रष्ट लोगों को अपने प्रस्तावित कर रहा, जनता को लूटने का माध्यम बना रखा है, और इसकी जितनी निंदा कम की जाए उतनी कम है। सवाई माधोपुर में सभापति ट्रेप हो जाए, 30,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए जेल में चले जाए, उसके बाद उसको निलंबित नहीं किया जाए। और भाजपा का यदि कोई भी कर्मचारी या कोई भी छोटा मोटा इस प्रकार के लिप्त होता है 24 घंटे में निलंबित, उसके निलंबन के आदेश जारी करते हैं, ये स्पष्ट करें राजस्थान की सरकार। मैं पूछना चाहता हूँ यूडीएस मंत्री जी से, आखिर आप पक्षपात क्यों कर रहे हैं? एक समान होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए, सबके लिए समान प्रावधान होना चाहिए, आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। इसे ऐसा लगता है कि राजस्थान की सरकार भ्रष्टों को आगे बढ़ाने में काम कर रही है। तो आपने देखा कि परमलाल के जिस प्रकार से अपनी बेपाक आवाज़ में जो मुद्दे थे उनको स्पष्ट रूप से रखा, सवाई माधोपुर से सुनील जोशी, राजस्थान।